एल्डिगो अपार्टमेंट्स और इसी के सामने यहाँ पर पूरा आप देख सकते हो स्ट्रीट फूड लगते हैं और बहुत सारे लगते हैं इधर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता। आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज का दोस्तों ये जो हमारा ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है फूड ब्लॉग। आज आपको बढ़िया बढ़िया मैं स्ट्रीट फूड दिखाने वाली हूँ। सो अभी मैं वृंदावन लखनऊ में हूँ और अभी इस साइड हूँ। आपको मेरे पीछे एक अपार्टमेंट दिख रहा होगा एल्डिको का और ये पीछे शहीद पथ है। सो इधर बहुत सारे स्ट्रीट फूड मिलते हैं। मैंने मतलब फर्स्ट टाइम देखा, मुझे ये जो भाई है वो लेके आया। सो हमने सोचा यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, आप लोगों को बढ़िया बढ़िया जायका यहाँ का दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। नीचे प्यारा सा लाल कलर का बटन होगा, उसे खटक से दबा दीजिएगा, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। सो दोस्तों, ये है वृंदावन के एल्डिको अपार्टमेंट्स और इसी के सामने यहाँ पर पूरा आप देख सकते हो स्ट्रीट फूड लगते हैं और बहुत सारे लगते हैं। इधर भी लगे इस रोड के और इधर भी लगे हैं। सो आज इनमें से ही हम लोग कुछ एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम जो रोड के हैं वो राइट साइड में आए और आपको यहाँ पे डेमोक्रेटिक इडली डोसा एंड उत्तपम दिख रहा होगा। यहाँ पे साउथ इंडियन फूड मिलता है तो सबसे पहले हम लोग यहीं पे आए हैं और बहुत अच्छा मुझे इनका मेन्यू लगा। बहुत सस्ता मतलब प्राइस में आपको यहाँ पर साउथ इंडियन फूड देखने को मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं और खाते हैं यहाँ का साउथ इंडियन फूड। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुका है हमारा डोसा जो कि है 50 रुपीज़ का स्ट्रीट में। सो लेट्स सी ये टेस्ट में कैसा है, इसको तोड़ते हैं। चटनी दिखा दे यहाँ पास में, ये है इनकी कोकोनट की चटनी जो कि मेरी फेवरेट है एंड आप खाएंगे। चटनी इज़ गुड। खट्टी इधर सांभर है और उसमें काफ़ी मुझे सब्जियां दिख रही है यार। सो दोस्तों जो ये डोसा है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका प्राइस 50 रुपीज़ का है। डोसे का जो मसाला है मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है और चटनी मुझे जो है ये कोकोनट की बहुत, इसमें टैंगीनेस आ रहा है, मतलब थोड़ा सा खट्टापन ज़्यादा लग रहा है इसमें, लेकिन सांभर जो है थोड़ा सा बैलेंस में है। सो अगर मैं बोलूँ 50 रुपीज़ में ये वर्थ इट है तो येस, आप यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो, अच्छा है। सो यू कैन ट्राई, अगर आप इडली और डोसा लवर हो तो आप यहाँ पर आते हो तो आप ट्राई कर सकते हो। सो दोस्तों हम लोग आपको थोड़ा सा डोसा ओपन करके भी दिखा देते हैं कि अंदर से कैसा है इसका मसाला। सो देख सकते हैं मेरा भाई यहाँ पे खोल रहा है तो पूरा अच्छे तरह से यहाँ पे मसाला इस पर फिल्ड किया गया है। तो ये था इनका सांभर, ये थी चटनी और ये डोसा, और ये आपको 50 रुपीज़ का पूरा मिलेगा। कैसा लगा तुझे? अच्छा था, 50 रुपीज़ का वर्थ इट था। और हमने चटनी दोबारा मंगाई। सो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे घर में बनाते हैं ना मम्मी लोग, वैसे था, वैसा था। सो आप लोग यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो डोसा डेमोक्रेटिक का।
अब मैं खा रही हूँ कबाब पराठा, ये आधा हो चुका है क्योंकि आधा कोई और खा रहा है। तो ये हमें 20 रुपए का पड़ा है यहाँ पर कबाब पराठा, 15 से 20 हो चुका है पराठा, कबाब पराठा, वेज कबाब पराठा। ये कबाब पराठा मैंने यादव शुद्ध शाकाहारी वेज कबाब से लिया है, वहाँ पे दो थे यादव वाले, तो ये खाते हैं। मैं काफी सिंपल सा वेज कबाब पराठा की ऐसी चीज़ है ना जो आप एक खा लो तो पेट भर जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और इसका टेस्ट मुझे लाइक एवरेज लगा, और भी मैंने इसके इससे अच्छे मैंने वेज कबाब पराठा खाए हैं। बट अगर आप यहाँ पे आते हो तो वेज कबाब पराठा भी ट्राई कर सकते हो, और मुझे तो आज इतना ही मिला। तो 20 रुपीज़ का है, अगर टेस्ट के अकॉर्डिंग बोलूँ तो यू कैन ट्राई वन टाइम। वैसे तो मुझे थोड़ा सा इसका एवरेज टेस्ट लगा। सो दोस्तों, मैंने कबाब पराठा भी खा लिया आधा, देख सकते हैं कौन खा रहा है। और यहाँ पर हम इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे गायों की लड़ाई हो रही है, बैल है क्या, सांड है शायद से, उनकी लड़ाई हो रही है, तो वो इंजॉय करते करते हमने खा लिया। तुझे कैसा लगा? ठीक है, मतलब एवरेज था जैसे कि मैंने बोला इसका टेस्ट, लेकिन इससे अच्छा और हो सकता था, बट यू कैन ट्राई अगर आप इधर साथ आते हो तो कबाब पराठा ट्राई कर सकते हो। तो अब हम आ रखे हैं प्रिंस फास्ट फूड में, और यहाँ पे हम खाएंगे फ्रेंच फ्राइज। इसने बोला फ्रेंच फ्राइज खाते हैं और मेरा भी मन कर रहा था, तो अब हम यहाँ पर आए हैं। सो लेट्स सी। तो दोस्तों, अब हम खा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज, ये 40 रुपीज़ का हाफ है, और इसी के साथ मैं चाय भी पी रही हूँ, और मज़ा आ रहा है यार। आई हाय मोमोज वाली चटनी। था मेरा आज का ब्लॉग, मैंने आपको वृंदावन का स्ट्रीट फूड दिखाया, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और बहुत सारी चीज़ें थे वहाँ पे, मोमोज थे, बर्गर थे, सोया चाप था, तो हर चीज़ तो नहीं खा सकते थे, पर जितना खाया अच्छा लगा। लेकिन मेरा फेवरेट जो था वो डोसा ही था, मुझे डोसा ही काफ़ी अच्छा लगा। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। नीचे प्यारा सा लाल कलर का बटन होगा जी, उसे खचक से दबा दीजिएगा, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, चल देन, बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों, यहाँ पर कारंती पार्क है इधर के साइड, और इधर के साइड भी काफ़ी स्ट्रीट फूड मिलता है। सो अब यहाँ पे भी लोग काफ़ी आते हैं, इंजॉय करते हैं पार्क में, फिर यहाँ पे स्ट्रीट फूड को इंजॉय करते हैं। सो देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रीट फूड आपको कारंती पार्क के बाहर भी मिल जाएगा, और हम तो निकले शू।